कांग्रेसी कैडर और नेता अमेठी के अखाड़े में राहुल के उतरने का इंतजार करते रहे और नामांकन के आखिरी मोमेंट पर हाईकमान ने सबको सरप्राइज कर दिया, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल फ्रेम सेट हुआ। मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी ने पहली बार पर्चा भरा और रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के पहले सदस्य बन गए। इधर अमेठी लोकसभा सीट से केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक गांधी परिवार का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाले केएल शर्मा को आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया। रायबरेली टू अमेठी कांग्रेस ने सबसे बड़ा फेरबदल किया तो सवाल भी कौनने लगे कि प्रियंका खुद क्यों नहीं चुनाव में उतरी। 24 के महासंग्राम में भाई बहन की जिस जोड़ी ने मोर्चा संभाल रखा है, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस सबसे मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है तो प्रियंका राहुल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन संभाल रही हैं। अभी तक अटकलें लग रही थी, तमाम चर्चाएं चल रही थी कि राहुल के नहीं मानने पर प्रियंका ही भाई की हार का बदला अमेठी में लेंगी, लेकिन प्रियंका ने अपने पत्ते खोले इस सफाई के साथ। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। भले ही प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मगर अमेठी टू रायबरेली की पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस के जिस गढ़ से उन्होंने चुनावी कैंपेन और पब्लिक कनेक्ट की ABCD सीखी थी, उसकी कमान एक बार फिर प्रियंका के हाथों में आ गई है। माना जा रहा है कि राहुल देश की बाकी सीटों पर प्रचार संभालेंगे, जबकि प्रियंका अपने भाई राहुल और केएल शर्मा के लिए रायबरेली और अमेठी का चुनावी मैनेजमेंट देखेंगी। हालांकि कांग्रेस छोड़कर BJP में जाने वाली बागी नेताओं ने साइडलाइन वाली थ्योरी का दावा कर नई बहस छेड़ दी। प्रियंका जी से मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, मैं उनका एक दिल से आदर करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता की कभी 15 साल में जब भी परेशानी हुई तब वो एक व्यक्ति थी, मिलती थी, बात सुनती थी। तो आज उनके प्रति कार्यकर्ताओं में वो एक लगाव है। आज वो तो नहीं बोलेंगी क्योंकि वो परिवार को अपनी निजी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रखेंगी, पर एक फीडबैक तो है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक जो कांग्रेस पार्टी में जो अहंकार जो मैं देख रहा हूं लास्ट 2 साल से कि हम कुछ भी करेंगे जनता उसको स्वीकार कर लेगी, मुझे लगता है उसी कड़ी में ये डिसीजन और एक आज जुड़ चुका है। मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा, और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई है। दावे पर दावे, प्रियंका के चुनाव नहीं लड़ने वाले तमाम थ्योरी वायरल है, मगर गांधी परिवार के करीबी नेताओं का दावा है कि सियासी विसात पर अभी कुछ पत्ते खुलने बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रियंका के लिए कांग्रेस का प्लान बी क्या है। जयराम रमेश ने जिस तरह प्रियंका के लिए उपचुनाव की बात कही है, उससे फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने राहुल को रायबरेली जैसी सेफ सीट देकर प्रियंका के लिए उपचुनाव का रास्ता तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार दूसरी बार वायनाड सीट से चुनाव में उतरे हैं। पिछली बार अमेठी में हार के बाद वायनाड ने हिस्सा दिया था। ऐसे में कांग्रेस मानकर चल रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट ही अपने पास रखेंगे, तब उपचुनाव में प्रियंका के लिए चुनावी द्वार खुल सकता है। यूपी के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी प्रमोद तिवारी भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब रणनीति हमारी ऐसी क्यों बनी, ये रणनीति है तो इसे मैं नहीं बताऊंगा, पर जिनको मालूम होना चाहिए तो उनको मालूम था। भाई लड़ाई तो BJP से ही है, तो ये रणनीति भी उन्हीं के लिए बनी होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से बनी थी। अभी हाँ देखिए, रायबरेली आने का निर्णय गांधी परिवार का था और मेरे ख्याल से ये निर्णय काफ़ी पहले हो गया था। कब डिस्क्लोज करना है ये गांधी परिवार को तय करना था। अब नॉमिनेशन पेपर भरना पड़ रहा है, पहले से तैयार, एक साधारण सा संकेत दे रहा हूँ आपको।
इस वक्त प्रियंका कांग्रेस की राजनीति में एक धुरी है, जिनकी भाषण शैली और पब्लिक कनेक्ट की कला ने उन्हें डिमांडिंग बना दिया है। खास बात यह है कि प्रियंका अपने भाषणों में उन जज्बातों का भी जिक्र कर देती हैं, जिसे सियासत के एंग्री यंग मैन यानी भाई राहुल गांधी शायद सीने में ही दबाए रखते हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी, मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है। प्रियंका गांधी की भाषा पर जबरदस्त पकड़ है, वो गहरी बात भी बड़े ही सहज स्वभाव में करने का हुनर रखती हैं। लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो प्रियंका की पॉलिटिक्स कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई थी, खासकर 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने ही कमान संभाल रखी थी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन ने सुर्खियाँ तो बहुत बटोरी, मगर कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो पाया था। यही वजह है कि बीजेपी समेत तमाम कांग्रेस के विरोधी दल प्रियंका के फैक्टर पर सवालों के तीर चलाते रहे। कांग्रेसी कैडर और नेता अमेठी के अखाड़े में राहुल के उतरने का इंतजार करते रहे और नामांकन के आखिरी मोमेंट पर हाईकमान ने सबको सरप्राइज कर दिया, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल फ्रेम सेट हुआ। मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से राहुल गांधी ने पहली बार पर्चा भरा और रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी के पहले सदस्य बन गए। इधर अमेठी लोकसभा सीट से केएल शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। अभी तक गांधी परिवार का चुनावी मैनेजमेंट संभालने वाले केएल शर्मा को आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया। रायबरेली टू अमेठी कांग्रेस ने सबसे बड़ा फेरबदल किया तो सवाल भी कौनने लगे कि प्रियंका खुद क्यों नहीं चुनाव में उतरी। 24 के महासंग्राम में भाई बहन की जिस जोड़ी ने मोर्चा संभाल रखा है, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस सबसे मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है तो प्रियंका राहुल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन संभाल रही हैं। अभी तक अटकलें लग रही थी, तमाम चर्चाएं चल रही थीं कि राहुल के नहीं मानने पर प्रियंका ही भाई की हार का बदला अमेठी में लेंगी, लेकिन प्रियंका ने अपने पत्ते खोले इस सफाई के साथ। क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। भले ही प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मगर अमेठी टू रायबरेली की पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस के जिस गढ़ से उन्होंने चुनावी कैंपेन और पब्लिक कनेक्ट की ABCD सीखी थी, उसकी कमान एक बार फिर प्रियंका के हाथों में आ गई है। माना जा रहा है कि राहुल देश के बाकी सीटों पर प्रचार संभालेंगे, जबकि प्रियंका अपने भाई राहुल और केएल शर्मा के लिए रायबरेली और अमेठी का चुनावी मैनेजमेंट देखेंगी। हालांकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाली बागी नेताओं ने साइडलाइन वाली थ्योरी का दावा कर नई बहस छेड़ दी। कि प्रियंका जी से मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, मैं उनका एक दिल से आदर करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता की कभी 15 साल में जब भी परेशानी हुई तब वो एक व्यक्ति थी, मिलती थी, बात सुनती थी। तो आज उनके प्रति कार्यकर्ताओं में वो एक लगाव है। आज वो तो नहीं बोलेंगी क्योंकि वो परिवार को अपनी निजी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रखेंगी, पर एक फीडबैक तो है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक जो कांग्रेस पार्टी में जो अहंकार जो मैं देख रहा हूं लास्ट 2 साल से कि हम कुछ भी करेंगे जनता उसको स्वीकार कर लेगी, मुझे लगता है उसी कड़ी में ये डिसीजन और एक आज जुड़ चुका है। मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा, और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई है।
दावे पर दावे, प्रियंका के चुनाव नहीं लड़ने वाले तमाम थ्योरी वायरल हैं। मगर गांधी परिवार के करीबी नेताओं का दावा है कि सियासी विसात पर अभी कुछ पत्ते खुलने बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रियंका के लिए कांग्रेस का प्लान बी क्या है। जयराम रमेश ने जिस तरह प्रियंका के लिए उपचुनाव की बात कही है, उससे फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने राहुल को रायबरेली जैसी सेफ सीट देकर प्रियंका के लिए उपचुनाव का रास्ता तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार दूसरी बार वायनाड सीट से चुनाव में उतरे हैं। पिछली बार अमेठी में हार के बाद वायनाड ने हिस्सा दिया था। ऐसे में कांग्रेस मानकर चल रही है कि राहुल गांधी वायनाड सीट ही अपने पास रखेंगे, तब उपचुनाव में प्रियंका के लिए चुनावी द्वार खुल सकता है। यूपी के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी प्रमोद तिवारी भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब रणनीति हमारी ऐसी क्यों बनी, ये रणनीति है तो इसे मैं नहीं बताऊंगा, पर जिनको मालूम होना चाहिए तो उनको मालूम था। भाई लड़ाई तो बीजेपी से ही है, तो ये रणनीति भी उन्हीं के लिए बनी होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से बनी थी। अब हाँ देखिए, रायबरेली आने का निर्णय गांधी परिवार का था और मेरे ख्याल से ये निर्णय काफ़ी पहले हो गया था। कब डिस्क्लोज करना है ये गांधी परिवार को तय करना था। अब नॉमिनेशन पेपर भरना पड़ रहा है, पहले से तैयार, एक साधारण सा संकेत दे रहा हूँ आपको। इस वक्त प्रियंका कांग्रेस की राजनीति में एक धुरी है, जिनकी भाषण शैली और पब्लिक कनेक्ट की कला ने उन्हें डिमांडिंग बना दिया है। खास बात यह है कि प्रियंका अपने भाषणों में उन जज्बातों का भी जिक्र कर देती हैं, जिसे सियासत के एंग्री यंग मैन यानी भाई राहुल गांधी शायद सीने में ही दबाए रखते हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूँ शहादत की का क्या मतलब है। प्रियंका गांधी की भाषा पर जबरदस्त पकड़ है, वो गहरी बात भी बड़े ही सहज स्वभाव में करने का हुनर रखती हैं। लेकिन चुनावी मैनेजमेंट में रायबरेली और अमेठी को छोड़ दें तो प्रियंका की पॉलिटिक्स कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई थी, खासकर 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने ही कमान संभाल रखी थी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन ने सुर्खियाँ तो बहुत बटोरी, मगर कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हो पाया था। यही वजह है कि बीजेपी समेत तमाम कांग्रेस के विरोधी दल प्रियंका के फैक्टर पर सवालों के तीर चलाते रहे हैं।